हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल्स uh, रिप्रेजेंटेटिव repre का रीजन uh, वाइज हमने कैसे सेल्स uh, निकाला था और हमने रीजन का काउंट और उस रीजन में मैक्स और मिनिमम सेल uh, निकाला था हमने यूजिंग पी टेबल ये ट्रिक वन में आप देख सकते हैं पी व टेबल्स अभी हम जो मैंने जैसे कहा था प्रीवियस वीडियो में कि हम सब टोटल निकालेंगे यूजिंग पीवर टेबल तो वो कैसे करना है हम देखते हैं अब सेम कहीं भी जो हमारा ये टेबल है ये किसी के किसी और सेल के साथ कनेक्ट नहीं है ठीक है चारों तरफ ब्लैंक्स है ठीक है तो हम यहाँ किसी भी एक सेल में क्लिक करके एक पीवर टेबल के लिए शॉर्ट की है अल्ट एन वी या फिर आप इंसर्ट में जाके के टेबल कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे सेम आ, सिलेक्ट टेबल रेंज टेबल रेंज पूरा सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि न्यू शीट चाहिए या एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग सीट में तो मैं न्यू शीट करूँगा ठीक है और इसे नेम दूंगा मैं ट्रिक टू ठीक है और अभी हमें सब टोटल निकालनी है करेक्ट तो रीजन सेल्स बाद में आ, आ, सेल्स रेव बाद में सेल्स आएगा ठीक है तो रोज़ में पहले आएगा रीजन फिर सेल्स रेप वो आएगा रोज़ में और सेल्स आएगा वैल्यूज़ में ठीक है तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो सब टोटल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा तो इस पर क्लिक करना है कहीं भी प्योर टेबल पे और डिज़ाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट और शो इन टेबुलर फॉर्म शो इन टेबुलर फॉर्म उस पर क्लिक करना है तो सब टोटल के जैसे आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग में जाके अगर आपको सपोज uh, काउंट uh, या एवरेज वगैरह करना है तो आप उसका नंबर फॉर्मेट यहीं से भी चेंज uh, कर सकते हैं या फिर राइट right क्लिक करके सिर्फ नंबर फॉर्मेट लेना है फॉर्मेट सेल नहीं लेना है नंबर फॉर्मेट में जाके आप करेंसी uh, और मैं ज़ीरो डेसिमल रखता हूँ ओके okay. तो ये था सब टोटल यूजिंग योर टेबल आप ये जो अभी सारे ओपन है टैब uh, जो उसे हम एक्सपैंड कह दें जो ये सब रीजन एक्सपेंड है राइट क्लिक करके आप उसे कोलैप्स uh, कर सकते या फिर अभी हम ईस्ट में तो एक ही करेगा और कोलैप्स एंटायर फील्ड्स मतलब वो सारे कोलैप्स करेगा ठीक है तो राइट right क्लिक और सभी को एक्सपैंड करना हो तो एक्सपेंड एंटायर और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम आ, कोई टेबल में कोई अमाउंट एंटर करते हैं या कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे पीओ टेबल में इंस्टेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपको एवरी टाइम रिफ़्रेश करना पड़ेगा अगर कुछ आपने टेबल में चेंजेस किए तो लेकिन अगर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो इंस्टेंट अपडेट होगा जैसे कि अब आप, आप देख सकते हैं इसमें एक कहीं भी चेंज करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये थर्टी वन थाउजेंड है okay, ओके ईस्ट में तो यहाँ पे टू फोर्टी सिक्स आई मीन टू लैक फोर्टी थाउजेंड सम है तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ठीक है देखिए यहाँ पे इंस्टेंट अपडेट हो गया टू फिफ्टी एट लेकिन यहाँ पे उतना ही है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा राइट क्लिक रिफ्रेश या फिर उसके लिए एक शॉर्ट की है अल्ट एफ फाइव अल्ट एफ फाइव देखिए यहाँ पे इंस्टेंट चेंज हो गया ठीक है कंट्रोल जी कंट्रोल जी ठीक है तो ये था सब टोटल यूजिंग पी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ बाय बाय